मध्य प्रदेश के विंध्य से है, जहां विंध्य के शिवराज कैबिनेट में ताजपोशी हो रही है। यह ताजपोशी पूर्व मंत्री, रीवा विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र शुक्ला के हो रही है। शिवराज के कैबिनेट के विस्तार हो रहा है और पांच मंत्रियों का शपथ दिलवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। राजभवन के पूरी तरह से सजावट हजाबा जाल लाग है और राजभवन में लगभग 7:30 बजे या शपथ ग्रहण समारोह हो। विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंजीयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी खबर के, जहां पर बचक बताई दी हमारे साथ चल रही एक तस्वीर देखत हो जो बाबा महाकाल के दरबार के है, जहां रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ साथ सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी भगवान महाकाल के दरबार में जो है अपन मुंह झुकाए बैठे। अपना बचक बताया दी कि मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार शुक्रवार के शाम 7:30 बजे हो जाने लगे। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और बालाघाट विधायक गौरी शंकर विसेन के ताजपोशी तय हो गई ही। वही तीन नामन पर विचार चल रहा है, ऐसा में कयास ये लगाए जाने लगे कुल पांच नेता जो है मंत्री बनी ही। तीसरा नाम लाल सिंह आर्य, चौथा नाम जालम सिंह पटेल, पांचवा नाम राहुल सिंह लोधी शामिल है। राजेंद्र शुक्ला को वहीं बिल्कुल संक्षेप में जान ली। रीवा सीट से 4 बे के विधायक है, अपने पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो विंध्य अंचल के बीजेपी के बड़ा चेहरा ही 2003 में पहले बे विधायक बने, एक बाद 2008, 2013 और 2018 से तक जो है लगातार जीता आ रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विंध्य में बड़ी कामयाबी मिली रही। रीवा के सभी 8 सीट बीजेपी जीती रही, तब से उनका जो है पूरे विंध्य के नेता माना जात है। अपना बचक बताया दी पार्टी फोरम से हरी झंडी मिले के बाद राजेंद्र शुक्ला शुक्रवार के सुबह अपने समर्थकन के साथ उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन करी। वहां महाकाल के दर्शन पूजन उपरांत बाई कार भोपाल खातिर रवाना हो गए। उनके साथ सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, पीए राजेश पांडे आदि कार्यकर्ता जो है मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के सूचना पर रीवा से सैकड़न समर्थकन के द्वारा भोपाल में डेरा जमाए हैं और निश्चित तौर पर या समर्थकन खातिर और लगातार लंबे समय से भाजपा के अंदर कार्यकर्तन के मांग रही कि विंध्य के कहन कहूँ उपेक्षा हो रही है। विंध्य माँ राजेंद्र शुक्ला जैसा एक ताकतवर कद्दावर नेता का जो है काहे साइडलाइन किंगा है। हालांकि अब चुनाव 2 से 3 महीना शेष रह गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य का के ताजपोशी कहो न कहो या चुनाव का साधे के कहो न कहो रणनीति समझ में आ रही है। हालांकि कहा थे ना देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अपना बचक बताया दी जैसा कि एमपी संदेश न्यूज 24 बताया रहा कि विंध्य का एक ताकतवर मंत्रालय मिलने वाला है। यह ताकतवर मंत्रालय जो है कयास ये लगाए जा लगे उस सूत्रन से प्राप्त जानकारी अनुसार जनसंपर्क मंत्रालय जो है शपथ ग्रहण के बाद राजेंद्र शुक्ला का दिन जाय सकत है। हालांकि अभी यह विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखे हैं। निश्चित तौर पर 5 नए मंत्री बने के बाद शपथ के बाद अब देखब दिलचस्प हुई कि मंत्री पदन के बंटवारा आखिर कैसा किन जात है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।